2024 लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत की तैयारी में पूरे जोर शोर से जुटी हुई हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने आज केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान बहन प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ मौजूद रहीं। राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन दाखिल करने के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया है। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कलपेटा में एक रोड शो किया, जिसमें वायनाड के तहत आने वाली 7 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों यूडीएफ कार्यकर्ता शामिल हुए। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। राहुल के रोड शो में उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने रोड शो करते हुए कहा कि मानव पशु संघर्ष का मुद्दा है, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है, इस लड़ाई में वायनाड के लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ। हमने मेडिकल कॉलेज पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है, सीएम को भी पत्र लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य से वो आगे नहीं बढ़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार है और जब केरल में हमारी सरकार बनेगी तो हम दोनों ऐसा करेंगे, इन मुद्दों को हल करेंगे। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर जनता की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने रोड शो की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज भाई राहुल गांधी के साथ चुनाव नामांकन के लिए उनके साथ वायनाड केरल में हूँ। कुछ महीने पहले बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनकर जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश की थी, लेकिन संविधान की ताकत ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। बता दें, पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने यहां से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। आइए जानते हैं इस बार राहुल गांधी का चुनावी मैदान में किस किस से सामना होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में वायनाड में 5,00,000 वोटों से जीतने वाले राहुल गांधी को इस बार केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्र और सीपीआई की एनी राजा से चुनौती मिल रही है। ये दोनों अपनी पार्टियों के स्टार नेता हैं। के सुरेंद्र जहां केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी हैं और सीपीआई की दिग्गज महिला नेताओं में उनकी गिनती होती है। फिलहाल इस बार वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी इन चुनौतियों को पार करके जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा।